हेलो लर्नर्स, आई एम विनीता पंत फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी. एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज़ बेसिक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसे निर्देशन एवं परामर्शन कहा जाता है. ये MAPSY 604 का पार्ट है. तो सबसे पहले हम आते हैं गाइडेंस पे. द वर्क ऑफ फ्रैंक पार्सन इन बोस्टन, USA, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गाइडेंस एज एन ऑर्गेनाइज प्रोफेशन इन 1905. जो गाइडेंस का मोमेंट है वो 1905 में फ्रैंक पार्सन के कार्यों की से शुरुआत माना जाता है उसका, जो कि बोस्टन USA में गाइडेंस मोमेंट या निर्देशन का एक मोमेंट जो चला था वहाँ से स्टार्ट हुआ था. गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल टू हेल्प हिम टू एडजस्ट टू हिमसेल्फ, टू अदर्स एंड टू हिज ओन एनवायरमेंट. यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को स्वयं के साथ, स्वयं को समझने, स्वयं के साथ एडजस्ट करने, अपने वातावरण के साथ एडजस्ट करने और बाकी वातावरण से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके साथ एडजस्ट करने में हमें हेल्प करता है या असिस्ट करता है. इट इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद हेल्पिंग ईच इंडिविजुअल टुवर्ड हायर लेवल ऑफ पर्सनल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज. And guidance is required at various stages of development, right from birth till the end. यानी कि माना जाता है कि निर्देशन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि हमारे जन्म से शुरू हो जाती है और हम जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक वो प्रक्रिया चलती रहती है. क्योंकि हर जो हमारा उम्र है, हमारी उम्र के अलग अलग स्टेजेस में हमें अलग अलग तरीके के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है. अगर हम काउंसलिंग यानी परामर्शन की बात करें तो काउंसलिंग इज ऑफन परफॉर्म फेस टू फेस इन कॉन्फिडेंशियल सेशंस बिटवीन द काउंसलर एंड अ क्लाइंट. हर हम काउंसलर और क्लाइंट दो टर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो क्लाइंट होता है वो परामर्शन लेने के लिए काउंसलर के पास आता है और इसे एक फेस टू फेस कॉन्फिडेंशियल सेशन के रूप में देखा जाता है. In words of Ruth Strang, counseling is a face-to-face relationship in which growth takes place in the counselor as well as the काउंसली. तो रुथ स्ट्रैंग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ काउंसली पे ही नहीं बल्कि काउंसलर के साथ भी ग्रोथ हो रही है, यानी कि वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा है और वो वहाँ से कुछ ना कुछ अपना रहा है. इन वर्ड्स ऑफ कॉर्मियर एंड हैकने, काउंसलिंग इज डिफाइंड एज हेल्पिंग रिलेशनशिप दैट इंक्लूड्स समवन सीकिंग हेल्प, समवन विलिंग टू गिव हेल्प हु इज केपेबल और ट्रेन टू हेल्प, एंड अ सेटिंग दैट परमिट्स हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव्ड. यहाँ पे तीन तरीके की परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं. एक तो एक व्यक्ति जो हेल्प जिसे चाहिए, जिसे मदद चाहिए, दूसरा वो व्यक्ति जो ट्रेंड हो या केपेबल हो हेल्प देने के और वो चाहता हो दूसरे व्यक्ति को हेल्प देना, और तीसरा एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे ये प्रक्रिया हो सके, यानी कि वो एक कॉन्फिडेंशियल सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे एक प्रक्रिया मतलब पूरी तरीके से संपन्न हो सके, यानी कि एक रूम हो जहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति ना आ सके, वहाँ पे शांत वातावरण हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो, आदि जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए. अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, यानी कि निर्देशन एवं परामर्शन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं ये एक होते हुए भी इनमें डिफरेंस देखे जाते हैं, लेकिन यूजुअली लोग इनको एक साथ वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट देर आर सम डिफरेंसेस. सो गाइडेंस इज एन एडवाइस और रिलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ सुपीरियर टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टी. एंड काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर टू एन इंडिविजुअल टू हेल्प हिम इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. यानी कि गाइडेंस एक एडवाइस के रूप में हम उसे देखते हैं, जहाँ पे एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सीनियर हो या उस चीज़ को जानता हो उसके प्रति वो निर्देशन दे सकता है. लेकिन काउंसलिंग ज़्यादातर एक प्रोफेशनल एडवाइस के रूप में देखी जाती है, जहाँ पे जो ट्रेंड व्यक्ति होता है वो अधिकतर हमारी पर्सनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करता है. गाइडेंस इज यूजुअली प्रिवेंटिव इन नेचर एंड काउंसलिंग इज रेमेडियल और क्यूरेटिव इन नेचर. यूजुअली काउंसलिंग जो होती है वो अधिकतर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनसे जुड़ी हुई देखी जाती है, इसका नेचर ज़्यादातर क्यूरेटिव होता है. गाइडेंस इज गिवन बाय पर्सन सुपीरियर और एक्सपर्ट एंड काउंसलिंग इज गिवन बाय अ पर्सन हु पजेस हाई लेवल ऑफ स्किल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. गाइडेंस इज यूजुअली ओपन एंड लेस प्राइवेट इन नेचर एंड काउंसलिंग इज वेरी कॉन्फिडेंशियल इन नेचर. Now, aims of guidance and counseling are quite similar. Guidance and counseling have following aims: to make the individual self-understanding, where an understanding of his or her strength, limitation and resources available. Self-accepting, that makes individual accepting of those things which he or she cannot change. Self-directing, which makes individual his or her ability to solve problems, make choices and decision of his or own. And it also aims to be to carry the holistic development of any individual.
Some of other aims are helping each individual gain insight needed for understanding himself and society, adjusting to society wisely, and help each individual toward higher level of personal planning, decision making and development within the context of social opportunities. And it also help in creating awareness of individual strength and potential for maximum output and also for overcoming problems. The areas and scopes related to guidance and counseling are it is given in the field of education to help in children's or individual in dealing with the educational challenges, for vocational counseling, for career advancement, for personal growth like guidance regarding personal life issues, social issues like it helps an individual to develop feelings of social acceptance and social adjustment, moral like it plays an important role in shaping the ideas and beliefs of the students, and health like health guidance aims to prevent and cure health related issues of the individual. So there are different areas and scopes. Inke alawa bhi bahut sare areas and scopes hai jahan pe guidance and counseling perform ki jati hai. Basically education, vocational and career advancement ke kshetra mein isko zyada dekha jata hai, and jo हेल्थ इश्यूज़ हैं या सोशल इश्यूज़ हैं वहाँ पे भी काउंसलिंग का काफ़ी प्रयोग देखा जाता है. तो उसके बहुत वाइड एरिया या वाइड स्कोप है वो हम कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड एक्लेक्टिक टाइप ऑफ काउंसलिंग. सो डायरेक्टिव काउंसलिंग, ई जी विलियमसन इज द चीफ टू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग. इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंसलर सेंटर्ड और प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग. सो इट इज़ नोन एज काउंसलर सेंटर्ड बिकॉज यहाँ पे काउंसलर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट और एक्टिव रोल एज इट इज़ रिगार्डेड एज मीन्स ऑफ हेल्पिंग पीपल हाउ टू लर्न टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम. यहाँ पे ये फोकस किया जाता है कि इंडिविजुअल को हम सिखाएं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे खुद सॉल्व कर सकता है, कैसे वो उन्हें खुद डील कर सकता है. द बेसिक अजम्पशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग आर इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. It believes that it is an intellectual process, it need qualified counselor, it focus on problem solving, and believe that inability of a client to solve problem, यानी कि जो directive counseling है क्योंकि वो counselor centered है तो ये माना जाता है कि क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो क्वालिफाइड हो, इंटेलेक्चुअल हो, उस प्रोसेस को अच्छे से डील कर सके. और ये माना जाता है कि जो क्लाइंट होता है क्योंकि वो सफ़र कर रहा होता है खुद, तो उसकी इनएबिलिटी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसलिए वो यहाँ पर काउंसलर सेंटर्ड इसको फोकस करते हैं. डायरेक्टिव काउंसलिंग फॉलोइंग स्टेप्स एनालिसिस. In this step, data is collected from variety of sources for adequate understanding of people. Synthesis. This step implies organizing and summarizing the data to find out asset, liabilities, adjustment and maladjustment of the people. Then diagnosis. Formulating conclusion regarding the nature and cause of the problem expressed by people in the major concern of this step. And then prognosis. This step implies predicting the future development of the problem of client or people. And then counseling, this step indicate taking steps by the counselor with the people to bring about adjustment in life. And last mein follow up, which implies helping and determining the effectiveness of the counseling provided to the people or the client. There are some limits of directive counseling, like it is more focused, it gives more focused on the problem, it makes a client inactive, dependency on counselor, and it do not help to develop insight in the individual or client. Next is non-directive counseling. The concept of non-directive counseling is given by Carl Rogers, and it is also known as permissive or client-centered counseling. So the client is more important here. Counselor client is the pivot of the counseling process, and he plays an active role, and this type of counseling is a growing process. In this counseling, the goal is independence and integration of the client rather than solution of the problem. And in this counseling process, the counselee come to the counselor with a problem. The counselee provide information about his problem. तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड है, तो वहाँ पे जो काउंसलिंग है वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को लेके काउंसलर के पास आता है, जबकि डायरेक्टिव काउंसलिंग में यूजुअली उसकी प्रॉब्लम का उसे खुद नहीं पता होता है, और जो काउंसलर है वो उसे हेल्प करता है उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में. बट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के केस में जो काउंसली है उसको अपनी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर पता होती है, और वो इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ एक हेल्प के तौर पे काउंसलर की हेल्प चाहता है, या यहाँ पे उसको इंटीग्रेट और इंडिपेंडेंस की पूरी मतलब परमिशन दी जाती है.
The following steps are adopted in counseling. This counseling process, the counselor defines the situation by indicating that he doesn't have answer, but he is able to provide a place and atmosphere in which the client or pupil can think of answer or solution to his problem. The counselor brings friendly, interested, and encourages free expression of feeling and regarding the problem of the individual. The counselor tries to understand feeling of individual or client and accept the and recognizes the positive as well as negative feeling. As a client recognizes and accepts emotionally as well as intellectually his real attitude and desire, he perceives the decision that he must take and possible courses of action open to him. A decreased need for help is felt and the client is the one who decides to end the contact. Last में client को खुद लगता है कि वो अपनी help अब कर सकता है and जो contract है उसको end किया जा सकता है. तो these steps can be summarized as opening session, rapport building, then free expression of feeling, classification of feeling, insight development within the individual, termination and follow-up of the program. The characteristics of non-directive counseling are: it is client-centered, it motivates client to find solution of their problems, and here counselor is more inactive in nature, and it is directive jo counseling hoti hai uske opposite hi hoti hai. The total responsibility is on client. It takes time because yahan pe client hai wo zyada active role mein hai aur use nahi pata ki wo kis tarike se cheezon ko leke chale ki time kam lage, isliye kai baar ye zyada time le leti hai. And the limited scope of techniques here is used, and it is also not suitable for all kind of problem. Like agar hum example le ki agar koi aisa issue hai jahan pe jo client hai wo ज़्यादा मानसिक स्थिति उसकी ज़्यादा सही नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी सही नहीं है, तो ऐसे केस में क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग यूज़ नहीं हो सकती है. वहाँ पे हमें डायरेक्टिव काउंसलिंग या काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा. नाउ कम्स इक्लेक्टिक काउंसलिंग. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशनल फैक्टर्स. दिस अप्रोच ऑफ काउंसलिंग इज बेस्ट कैरेक्टराइज बाई इट्स फ्रीडम टू द काउंसलर टू यूज whatever procedure or technique seem to be the most appropriate to any particular time for any particular client. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में किस टाइम पे कैसी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, वो फ्रीडम काउंसलर के पास होती है और वो उसको उसी तरीके से अपना अकॉर्डिंग भी फ्रीडम उसको ये होता है कि वो उसको मैनिपुलेट कर ले. तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर की मानी जाती है. दिस काउंसलिंग इज़ वन वेयर वन हु इज़ विलिंग टू यूटिलाइज एनी प्रोसीजर इज फ्री. द काउंसलर इन दिस काउंसलिंग में स्टार्ट विद डायरेक्टिव काउंसलिंग टेक्निक बट स्विचेज ओवर टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इफ द सिचुएशन रिक्वायर और वाइस वर्सा. इट इज़ इक्लेक्टिक काउंसलिंग दैट ब्रिजेज द गैप बिटवीन द टू एंड मेक एडजस्टमेंट बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. क्योंकि यूजुअली होता है कि जो काउंसलिंग सेशन है उसमें ना ही पूरी तरीके से डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज़ करना बेहतर होता है, ना ही पूरी तरीके से नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज़ करना बेहतर होता है. तो जो ये इनके बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए इक्लेक्टिक काउंसलिंग मैथड का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग आर: it is method of counseling that may change from counselee to counselee or even with the same client from time to time. एक काउंसलिंग के साथ हमें हो सकता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरे के नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज़ कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि हम एक ही क्लाइंट के साथ कभी डायरेक्टिव और कभी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पर स्विच कर रहे हैं. सो इट इज़ मोर अडेप्टिव इन नेचर. द फ्लेक्सीबिलिटी इज़ द की नोट ऑफ दिस काउंसलिंग. Freedom of choice and expression is open to both the counselor and the client. The client and the philosophical framework are adjusted to serve the purpose of the relationship, and experiences of mutual confidence and faith in the relationship are basic, and a feeling of comfort are essential in this type of counseling. There are some limits of this type of counseling. It is quite unclear or ambiguous in nature, and no boundaries of independency are set. It takes time, and it also need a skilled counselor. सो बिकॉज़ अनक्लियर लिमिट्स इसलिए हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि कहाँ पे हमें डायरेक्टिव काउंसलिंग यूज़ करनी है, कहाँ पे स्विच करना है, कहाँ पे नॉन डायरेक्टिव में आना है, इसलिए इसको थोड़ा सा एम्बिगस नेचर का देखा जाता है, बोला जाता है. और यहाँ पे स्किल्ड काउंसलर की ज़्यादा नीड है क्योंकि हमें सही टाइम पर स्विच करने के लिए पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर किस टेक्निक को यूज़ करें, इसलिए ज़्यादा स्किल्ड काउंसलर की यहाँ पर नीड होती है. साथ ही यहाँ पर ज़्यादा बाउंड्रीज सेट नहीं होती हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.